अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आई एम मोहम्मद सौलत एंड इट इज़ योर लिंक वी एस इंग्लिश ग्रामर बुक 4. टुडे वी हैव टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज़ इंक्लूडेड इन मंथ ऑफ जनवरी एंड द यूनिट इज नंबर 7 विच इज़ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स को इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर का आगाज़ करूं, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. एडजेक्टिव्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी नाउन की हम कह सकते हैं कि किसी भी नाउन की खूबी को या खामी को, खासियत को, मिकदार को, कलर को, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करे तो हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव्स. जैसे कि लंबा लड़का नाउन है, लेकिन लंबा लड़का अब ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो टॉल जो है इसमें लंबा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. इसी तरीके से एक और जुमला, जैसे कि शर्ट नाउन है लेकिन रेड शर्ट, तो इट मीन्स अभी उसके कलर को वाजे करके बता रही है, इसको डिफ़ाइन कर रही है, नाउन को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है. फिर ब्यूटीफुल गर्ल या प्रीटी गर्ल, अब अगर मैं कहूँ कि शी इज़ गर्ल, वो एक लड़की है, तो ये गर्ल जो एक नाउन हो गया. लेकिन अगर मैं कह दूँ कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल या प्रीटी गर्ल, यानी कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है, तो फिर अब वो जो खूबसूरती जो है वो उसकी सिफ्त बयान कर रही है, खासियत बयान कर रही है, तो फिर ये एडजेक्टिव में इंक्लूड की जाएगी, एडजेक्टिव में शामिल की जाती है. फिर इसी तरीके से एक है, अगर मैं खूबसूरत की जगह अगली लगा दूँ, बदसूरत यानी कि जो दिखने में बेहतर ना लगे, तो उसके लिए फिर अब लड़की है, नाउन है, लेकिन फिर लेकिन अगर मैंने अगली लगा दी उससे पहले, तो इट मीन्स अब ये गर्ल को यानी कि नाउन को मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है, बता रहा है, उसकी खामी बता रहा है यहाँ पर, अब खासियत नहीं बल्कि खामी बता रहा है. तो इट मीन्स यानी कि उसको मज़ीद खामी तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये इसकी मतलब इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो ये जो है फिर एडजेक्टिव के ज़िम्रे में आएगा. खुश होना, उदास हो जाना, ये तमाम चीज़ें भी जो होती हैं वो एडजेक्टिव का पार्ट होती हैं. आ बॉय, अगर एक लड़का है आ बॉय, जैसे मैंने मिसाल दी आपको, अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, अगर सिर्फ बॉय होगा तो नाउन है. अब बॉय को डिस्क्राइब किया जा रहा है, टॉल बॉय, लंबा लड़का, तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव होगा. इसी तरीके से अगर हो अ फैट बॉय या अ फैट गर्ल, यानी कि एक मोटी लड़की या एक मोटा लड़का, तो अब लड़का या लड़की जो भी, ये तो नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि किस किस्म का है, मोटा, जो फैटनेस आ रही है ना यहाँ पे, ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर का स्टार्ट करते हैं. अ प्रीटी गर्ल, एक खूबसूरत लड़की, तो इट मीन्स जो आपको बोल्ड करके लिखा हुआ है, बोल्ड है या एडजेक्टिव है. अब पानी, ड्रिंक, ये नाउन है, लेकिन बता रहे हैं कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक, वो आपका एडजेक्टिव होगा. इसी तरीके से दे आर बॉयज़, अब लेकिन हैप्पी हैं, देखें एक्सप्रेशन से लग रहा है, तो हैप्पी इट मीन्स एडजेक्टिव है. द म्यूज़िक इज़ लाउड, बताया जा रहा है कि म्यूज़िक बज तो रहा है लेकिन कैसा बज रहा है, स्लोली है या लाउड है, तो वो आपको एडजेक्टिव को बयान कर रहा है. फिर अच्छा, ये मकदार को भी ज़ाहिर करता है, मैंने आपको बताया मकदार को भी ज़ाहिर करता है और तादाद को भी ज़ाहिर करता है. अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सपेंसिव वॉच, अगर सिर्फ वॉच होगा तो हम समझ जाएंगे घड़ी है, सिर्फ घड़ी की बात हो रही है नाउन, लेकिन एक्सपेंसिव ये नाउन को मज़ीद रिप्रेजेंट कर रहा है, मज़ीद उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट मीन्स ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है. आप फैट बॉय, फैट आपको एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे. द एक्सरसाइज 7A, मैच करेक्टली, आपने इसको मैच करना है. देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये सब मैच किया हुआ है, लिखा हुआ है अ पेल ऑफ सैंड. अब देखें ये चीज़, देखें एक भरी हुई बाल्टी जो है, ये देखिए ये से मैच हो जाएगी. लिखा आ डीप पूल, अब देखें पूल तो है लेकिन कैसा है, डीप, गहरा. अब ये डीप है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सैंड, रेत हमारे पास क्या है, नाउन है, लेकिन फाइन क्या है, ये नाउन को बहुत मज़ीद डिस्क्राइब कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइन उम्दा एडजेक्टिव हो जाएगा. फिर डे, डे को बता रहा है कि कैसा डे है, सनी डे, यानी कि गर्मी है, सूरज निकला हुआ है. फिर चिल्ड्रन तो हैं, नाउन है, लेकिन मिसचीवियस यानी कि बिहेवियर सही नहीं है उनका, चीज़ों को गंदी कर रहे हैं, ये देखें ये चीज़ें गंदी कर रहे हैं, दीवारों पे लिख रहे हैं. फिर स्ट्रॉन्ग मैन, अब ये देखें
अब मैन है तो ना, लेकिन कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डिंग करते हुए दिखाया जा रहा है इसको, इसलिए स्ट्रॉन्ग जो है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैंने देखें सब मैच किए हैं, ये देखें इससे मैच हो रहा है, अ डीप पूल इससे मैच हो गया, हाँ स्ट्रॉन्ग मैन, सम मिस्चीवियस चिल्ड्रंस, ओके देन वी स्टार्ट 7B, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन ब्रैकेट्स, आपने अंडरलाइन करना है सही अल्फाज पर जो ब्रैकेट में दिए हुए, लिखा हुआ है दिस इज अ डैश प्लेट ऑफ चिकन राइस, अब चिकन राइस की प्लेटें बताएं, लिखा हुआ है ये जूसी है या डिलीशियस है, अब चूंकि ये मीट है, मील है आपका, तो ये कोई मशरूब तो है नहीं, कोई ड्रिंक तो है नहीं जो जूसी होगा, चिकन राइस है तो इट मीन्स डिलीशियस यानी कि मज़ेदार, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। अ लाइब्रेरी इज़ अ नॉइजी प्लेस, अब लाइब्रेरी क्या नॉइजी प्लेस होता है, शोर शराब होता है वहाँ पे, या क्वाइट या फिर खामोशी होती है, तो लाइब्रेरी इज़ अ क्वाइट प्लेस, अब ये प्लेस जगह तो है, नाम तो है, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है क्वाइट के ज़रिए कि ये खामोश यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे खामोशी होती है और सब मुताला करते हैं किताबों का। शर्मिला हैज़ अ डैश गिलास, अभी देखें, अब ये गिलास नाउन तो है लेकिन इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है स्मॉल और लार्ज से, अगर ये स्मॉल होता तो मैं स्मॉल पे टिक कर देता, स्मॉल जो है पार्ट ऑफ एडजेक्टिव हो जाता, लार्ज है तो मैं लार्ज पे टिक कर रहा हूँ और ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। दिस इज़ अ कंफर्टेबल हार्ड चेयर, अब देखिए चेयर को डिस्क्राइब किया जा रहा है हार्ड और कम्फर्टेबल की मदद से, तो अभी चेयर तो है लेकिन कम्फर्टेबल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। देन आई रियली लाइक दिस ब्यूटीफुल अगली डॉल, अभी करिए ये पसंद करिए, अगर ये अगली होती बस सूरत होती तो ये इसे पसंद क्यों करती, तो ब्यूटीफुल और अगली ये दोनों जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन हमें सही एडजेक्टिव इंतखाब करना है, तो इट मीन्स आई रियली लाइक दिस ब्यूटीफुल डॉल, अभी इन्हें कि डॉल की डिस्क्राइब किया जा रहा है तो इट मीन्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। देन एक्सरसाइज 7C, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट्स, आपने सही अल्फाज का इंतखाब करते हुए ब्रैकेट आपको दिए हुए, आपने वहाँ पे नंबरिंग लिखनी है कि आपका कौन सा नंबर जो है वो करेक्ट है। दिस कप ऑफ कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट कॉल्ड वार्म, अब आप क्या लिख सकते हैं इसमें, देखें इसमें से धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है, देखें पिक्चर में, तो इट मीन्स हम इसको हॉट कह सकते हैं कि भाई गर्म है बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे लिख यहाँ पे हम कर देंगे 3, ठीक है, हॉट इज़ वेरी हॉट, ओके, बी केयरफुल व्हेन यू वॉक ऑन द डैश फ्लोर, एहतियात से चलें जब आप चलते हैं ड्राई, जब आप ड्राई प्लेस पे चलते हैं तो एहतियात से चलते हैं, डर्टी पे या फिर स्लिपरी पे, जैसे पानी पड़ा हुआ है इंसान चलता है तो स्लिप हो जाता है, तो हमें कहना चाहिए बी केयरफुल व्हेन यू वॉक ऑन द स्लिपरी फ्लोर, अब ये फ्लोर तो है लेकिन स्लिपरी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है फ्लोर को, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। देन थर्ड, ओके, नंबर 3, नो वन कैन गेट थ्रू द डैश गेट, वाइड चौड़ा नैरो तंग स्ट्रेट सीधा, कह रहे हैं नो वन कैन गेट थ्रू द डैश गेट, कोई भी इस गेट से बाहर नहीं निकल सकता, कैसे, वाइड गेट से, चौड़े गेट से, तंग गेट से या फिर स्ट्रेट गेट से, ये देखें ये बहुत तंग जगह है, इसमें से कोई भी बाहर नहीं सीधा, आप जेल की सलाखें होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं, वहाँ से कोई कैदी बाहर नहीं निकल सकता, ट्रीटमेंट्स नैरो यानी कि इनके और इनके सलाखों के बीच का जो स्पेस है वो बहुत तंग है, बहुत कम है, तो इट मीन्स नैरो इज़ द बेस्ट, देन वी यूज्ड सेकंड ऑप्शन, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। द डैश मैन हैज़ अ वॉकिंग स्टिक, अब बिजी मैन, ब्लाइंड मैन, ब्रिव मैन, आप देख सकते हैं कि इनकी आइज़ पे गॉगल्स भी हैं, मीन्स ग्लासेस हैं और स्टिक भी है इनके हाथ में और ये रास्ते को ढूंढते हुए जा रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ब्लाइंड जो है वो हमारा बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट मीन्स मतलब करेक्ट आंसर है। विच आउट ऑफ कार्स ऑन अ सॉरी वॉच आउट फॉर कार्स ऑन अ डैश रोड, कार्स को देख कर आप क्रॉस करें क्योंकि रोड क्रॉस करें क्योंकि लिखा हुआ है बिजी रोड है, एम्प्टी रोड है, ड्राई रोड है, तो इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है हमारे को पिक्चर में, तो इट मीन्स बिजी रोड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव जो कि रोड को डिस्क्राइब कर रहा है, रोड नाउन है, वॉच आउट ऑफ द कार्स ऑन रोड होता, लेकिन रोड किस तरह का है वो कंडीशन बताई हुई, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। देन एक्सरसाइज 7D,
फिल इन ईच ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए, फर्स्ट इज ओल्ड, द सेकेंड इज चीप, थर्ड जूसी, फोर्थ ब्यूटिफुल एंड फिफ्थ वॉर्म. आपको ये एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपके पास टोटल ये पांच एडजेक्टिव्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ओके. और आपके पास 5 पिक्चर्स हैं उन और उनके आगे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको देखते हुए आपने उसको लिखना है. लिखा है द वाटर मेलोन इज स्वीट एंड, अब वाटर मेलोन क्या होता है, वाटर मेलोन जूसी होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जूसी. द चेयर इज डैश एंड ब्रोकन. आप देखें ये चेयर की हालत ऐसी बताई जा रही है कि ये बहुत पुरानी हो गई है, और पुरानी है तभी ये टूट गई है. ठीक है, इसके यहाँ पर कोई अनदर पिक्चर में कोई हमें पर्सन दिखाई नहीं दे रहा जो उसको तोड़ रहा हो, तो कहा जा रहा है कि ये ओल्ड हो गई है. द चेयर इज़ ओल्ड एंड ब्रोकन, यानी कि ये पुरानी थी इसलिए टूट गई. थर्ड वन इज़ टूडे इज़ अ डैश डे. अब देखें यहाँ पर सूरज चमक रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ वार्म डे. ओके, नंबर थर्ड. नंबर फोर, दिस बैग इज़, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीप. चीप का मतलब होता है सस्ता. अच्छा, ये जो एक वर्ड है चीप, इसके मैं मायने आपको बताता चलूँ. हम अक्सर बेशतर फीमेल चीप का वर्ड इस्तेमाल कर रही होती हैं कुछ लोगों के लिए. चीप मैन, यानी कि अब उसका मतलब ये नहीं होता सस्ता आदमी, बल्कि उसका मतलब चीप के लफ्ज़ी मायने आप घटिया भी होते हैं, और चीप के लफ्ज़ी मायने जो हैं वो सस्ता भी होते हैं. तो ये दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये चीप का मतलब घटिया भी होता है, यानी कि वो आदमी जिसको लोग पसंद ना करें, और चीप का मतलब सस्ता भी होता है. तो यहाँ पे जो मायने मफहूम है, दिस बैग इज़ चीप से मुराद ये बैग बहुत सस्ता है, और इसकी कीमत भी लिखी हुई है. देखिए क्या लिखा हुआ है, $3 लिखी हुई है. ओके, देन दिस पिक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आपका लास्ट ऑप्शन बचा ऊपर में, ऊपर से, तो इट मीन्स ये ब्यूटीफुल. मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी है. ठीक है, मुझे उम्मीद है ये एडजेक्टिव का चैप्टर आपको समझ में आया होगा. दोबारा बताता चलूँ कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन की खासियत को, उसकी खूबी को, उसकी खामी को, उसकी मकदार को, उसकी तादाद को, उसके रंग को, इन तमाम चीज़ों को बयान करने का नाम जो है वो एडजेक्टिव है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.